तस्वीरें ऐलनाबाद में हुए किसान सम्मान सम्मेलन की हैं, जहां इनेलो के महासचिव अभय चौटाला को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसान आंदोलन में किसानों की आवाज उठाने वाली प्रदेश की स्टार कास्ट और उत्तर प्रदेश की पूनम पंडित भी नजर आईं। कार्यक्रम के दौरान किसान संगठनों ने किसान के प्रति पगड़ी और हल देकर सम्मानित किया। इस दौरान अभय चौटाला ने नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी और प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ना प्रदेश के किसान को लूटा जा रहा था, जहां हर वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा था, वहीं हमारा देश का प्रधानमंत्री कृषि के कानून बनाने जा रहा था, तीन काले कानून बनाने के काम किए। मैं साथियों ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब कृषि के कानून का ड्राफ्ट तैयार हुआ, जब इसकी रूपरेखा बनाई गई थी, ये मामला 2012 का है। 2012 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जो इसके लिए कमेटी मुकरर की थी, जिसके 5 मेंबर थे, जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे, उनमें हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी का चेयरमैन था, जिस कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया। आप थोड़ा सा पीछे जा करके देखोगे, 2012 को जब बजट का फैसला था, उसके अंदर कांग्रेस की तरफ से कृषि के इन तीनों काले कानूनों का बिल भी आया था, और इन तीनों काले कानूनों को बिल के रूप में ला करके हमारे ऊपर थोपना कांग्रेस पार्टी चाहती थी। उस वक्त के अंदर जब ये बिल आया था, कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। इस दौरान उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश की सरकार किसानों को कमजोर करने का काम कर रही है। किसानों से आह्वान किया कि उनकी फसल की कटाई व उसकी बिक्री का जिम्मा मेरे पर छोड़ दें। मैं फसल कटाई के लिए कंबाइन भेज दूंगा, वहीं सरकार की गर्दन पर पांव रखकर उनकी फसल MSP पर बिक्री का काम कराऊंगा। किसान को आज देश की सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इलाके का एक एक किसान जो है, फसल की कटाई का समय आने वाला है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को अपनी खड़ी फसल खेत के अंदर, जिसकी चिंता मत करना, किसी साथी की फसल की कटाई में दिक्कत आएगी, मुझे फोन करके कह देना, उसके खेत में कंबाइन भेज दूंगा, उसकी गेहूं मैं कटवाऊंगा, उसकी गेहूं मैं निकलवाऊंगा, और उसकी गेहूं को MSP पे मेरा काम है बिकवाने का। सरकार नहीं अगर उसको भेजेगी तो सरकार के गर्दन पे पैर रख करके आपकी फसल को सरकार से MSP के रेट पे बिकवाने का काम करूंगा। आज जींद के लोगों ने फैसला किया है कि जींद के अंदर बीजेपी और JJP का कोई भी नेता किसी काम में नहीं जा सकेगा। आज पूरे 17 जिला से आए हुए आप लोग बैठे हैं, आप आज एक फैसला लेकर के जाओ कि आपके लिए किसी गांव के अंदर बीजेपी और JJP का कोई नेता प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर कोई आएगा तो हम उसका विरोध करने का काम करेंगे, लोग उससे इस्तीफे की मांग करेंगे। वही इलाहाबाद का भाई इलेक्शन आएगा, इलाहाबाद के लोगों से इस्तीफे कहना चाहूंगा, क्योंकि इलाहाबाद के लोगों का कर्ज मेरे ऊपर है। आप लोगों ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया था, आपने मुझे विधानसभा का सदस्य चुना था, उन हालात में आपने मुझे वोट दिया था, जब देश का प्रधानमंत्री मुझे यहाँ हराने के लिए आया था। आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की बात सुनने की बजाय आप लोगों ने एक एक वोट डाल करके मुझे विधानसभा भेजा था। साथियों, उसी तरह से आने वाले समय में जब चुनाव हो आपके यहाँ पे, तो उस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और JJP के लोगों को सबक सिखाना और फिर से अपनी ताकत हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करना। अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा जसपा सरकार भी कोरोना काल में घोटाले करने से पीछे नहीं हटी। इस दौरान प्रदेश में 9 बड़े घोटाले हुए, जिनमें शराब की जहां अवैध तौर पर बिक्री हुई, वहीं धान और सरसों की फसल को औने पौने दामों पर खरीदा गया। गौरतलब है कि हरियाणा में नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान संगठन किसानों का समर्थन करने वाले लोगों को मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी TV।